और ये खबर पंजाब से है। पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं की आमद शुरू हो गई है। पटियाला के राजपुरा में पंजाब के खुराक और सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने गेहूं की अनाज मंडी में आमद का विधिवत उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अनाज मंडी में पड़ी हुई गेहूं की फसल की एमएसपी पर बोली लगाई। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों और आढ़तियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, अगर कोई समस्या आती है तो फिर उसको हल कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार पूरी की पूरी फसल के एक एक दाने को अनाज मंडियों से उठाएगी, खरीदारी उसकी होगी ताकि किसानों का कोई नुकसान ना हो। और इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने, मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और एमएसपी पर खरीद होगी इसकी। ये 100% पेमेंट किसानों के खाते च जाएगी, जिहड़ी आढ़तियां दी कमीशन सीगी और आढ़तियां दे खाते च जाएगी, जिहड़े लेबर काटेज जां ट्रांसपोर्टर दे उन्हां दे खाते च जाएगी। एक एक दाणा किसान दा चक्किया जाएगा ते उहदी बणदी कीमत ढुकवें टाइम च पूरी अदायगी कीती जाएगी। और सानू भरोसा दवाया आढ़ती भाईचारे ने अपनी हड़ताल खोल के, अज तुहाडे सामने है, उहदी शुरुआत हो गई है। प्रधान जी नाल खड़े आ, वह भी विच तुहानू दसणगे जिहड़ियां उहनां दीआं डिमांड्स सीएम साहब ने मनियां ने, ते नाल यकीन दवाया भी हमेशा की तरह जिहड़ा सीएम साहब के जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीएम रहिंदे आ उहनां दे टाइम च जिस तरीके की प्रोक्योरमेंट हुंदी आ, इह भी निर्विघन बगैर किसी रुकावट ते इह प्रोक्योरमेंट होएगी।